संयुक्त रोजगार समिति द्वारा रोजगार आंदोलन के तहत राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी आंदोलन के तहत ग्वालियर के फूलबाग मैदान पर संयुक्त रोजगार समिति से जुड़े पदाधिकारी यहां आज सामूहिक उपवास पर बैठे और देश भर में खाली पड़े 60 लाख सरकारी पदों को भरने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने और श्रम कानून नीति में संशोधन की मांग भी की गई है। धरना स्थल पर बैठे समिति पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि हमारा देश बेरोजगारी की मार झेल रहा है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी युवा आज काम के लिए दर दर भटक रहे हैं। रोजगार का नया सृजन करना तो दूर, देश भर में लाखों खाली पड़ी सरकारी वैकेंसी पर भर्ती नहीं की जा रही है। जहां भर्ती हो भी रही है, ठेकेदारी व्यवस्था के तहत हो रही है, जहां मिनिमम वेज इतना कम है कि जिससे काम करने के बावजूद भी लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के नए अवसर पैदा होने की जगह छटनी की तलवार लोगों के सर मंडरा रही है, जिसके विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। हेलो, मेरा मकसद, हमारा दो ही मांग है कि एक तो जो 60 लाख पुराने पद खाली हैं, सरकार उनको सबसे पहले भरे। दूसरी मांग यह है कि हम लोगों ने राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाई है, उसे कानून संसद से पास करा करके बेरोजगारी की रोजगार की गारंटी दी जाए बेरोजगारों को। ये हमारे दोनों मकसद है और हम इसीलिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और हम शाम तक बैठे रहेंगे और अनशन पर भी हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ साथी हमारे अनशन पर हैं, आंशिक अनशन पर हैं, और आज नहीं, अगर सरकार आज नहीं सुनेगी फिर हम ये लेके आएंगे, फिर बैठेंगे। जब तक हमारी ये सारी दोनों मांगे पूरी नहीं हो जाती है, हम अनशन और आंदोलन करते रहेंगे। आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? आगे रणनीति यही रहेगी कि आज हमारे पूरे देश भर में कम से कम 500 जगह ये रोजगार आंदोलन किया जा रहा है। अब नहीं सरकार सुनेगी, हम सरकार मामा के गेट पर जाके बैठेंगे और वहाँ पर आंशिक अनशन नहीं, क्रमिक अनशन करके नहीं, पूरा अनशन पर, अनिश्चित काल के लिए अनशन पर बैठेंगे। पूरा युवा साथी हमारे साथ बैठेगा और पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश हमारे साथ बैठेगा।